आए बच्चों, आज निम्सेट पेपर एनालिसिस करेंगे। आज का टॉपिक जैसे लिया है हमने यहाँ पे लिमिट, देख सकते हैं आप। अभी तक 2008 टू 2018 की जर्नी में जैसा कि यहाँ लिखा गया है एमसीए और निम्सेट, जो बच्चे एमसीए की तैयारी कर रहे होंगे तो निम्सेट के बारे में वेल अवेयर होंगे। अगर आप निम्सेट के बारे में वेल अवेयर नहीं है तो मावला क्लासेस ने निम्सेट के अवेयरनेस के लिए बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है, तो निम्सेट के बारे में जान लें अगर नहीं जानते हैं तो। निम्सेट में लिमिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं कह सकते हैं अगर लिमिट को देखते हैं, बट कैलकुलस के पार्ट को देखकर लिमिट में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, लगभग एक क्वेश्चन आपको हर बार मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि छोटा सा टॉपिक है और एक क्वेश्चन 12 नंबर को मिल गया। तो आज का टॉपिक निम्सेट पर रहेगा, 10 क्वेश्चन है, तो शुरुआत के टॉप 5 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लास्ट के टॉप 5 क्वेश्चन को भी लेंगे। तो ईयर बाय ईयर 2008 से लगातार एक एक या दो दो जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग करते रहेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में 2008 से हमारी जर्नी शुरू होगी 2018 तक। आज 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए वो सारे बहुत ही अच्छे तरीके से पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद ट्रिक्स के बेस पे भी बताएंगे। 2008 का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं बच्चों, एक बार पहले ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, इतना से क्वेश्चन को पहले देखा करो फिर जाके सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर एन। देखो एक्स और एन में हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो राइटिंग को लेके, ये एन है यहाँ एक्स है, लिमिट एक्स पे लगी हुई है। अगर आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा कि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ई की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फॉर्म है। देखो आगे कुछ लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन का मतलब है कि लिमिट आपको इवेलुएट नहीं करनी है, ये जो एन है इसकी वैल्यू बतानी है और ये लिमिट एक फाइनाइट नंबर को टेंड कर रही है, इसका मतलब एक आंसर फाइनाइट कोई वैल्यू आ रही होगी, ज्ञात वैल्यू आ रही होगी, तो उसको देखते हुए एन की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, क्या 1 होगी, क्या 2 होगी, क्या 3 होगी, नन ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आप हम लोग लिमिट लगाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस कम करते हैं, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो गया। आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पूरा पूरा सोल्यूशन प्रॉपर देखेंगे, बने रही है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं, उससे पहले आपको इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन को ध्यान देना होगा, जैसे वाले एक्सपेंशन को, ये वाले एक्सपेंशन को हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी 5 एक्सपेंशन दिए गए लिमिट या कहीं पर भी कैलकुलस में, ये एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रख लीजिए, आपके लिए है, आप याद करिए, नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस एक्स की एक्सपेंशन हमने लिखी है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, उसको माइनस 1 से घटा देंगे। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर हमने डॉट डॉट जहाँ तक दिखाया है वहाँ तक ये एक्सपेंशन लिखा है, और कॉस एक्स इसका एक्सपेंशन यहाँ लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, माइनस ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखा। कहने का मतलब ये एक्सपेंशन हमने देखिए यहाँ पर ये लिखा है क्लियर, और यहाँ पर ये लिखा, ये यहाँ पर यूज़ किया, इतना आप देख सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं, एक्सपेंशन इसीलिए लिख दिए कि आपको यहाँ पर अगर स्टेप बड़े हो रहे हो, लिखने का राइटिंग बहुत छोटी हो रही हो, तो आप यहाँ से आप टैली कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x पावर n है, पहले वो सारे सिंप्लीफाई टर्म्स कर लें जो कट रहे हैं, वो सारे टर्म्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगेन रिपीट कर रहे हैं, कि उन टर्म्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब काट देंगे या सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, ऑब्जर्व करिए कि x 1 से 1 को हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर जो बचा हुआ है वो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और आगे ऐसे ये जाएगा। एक ब्रैकेट में मैंने इसको लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या होने वाला है, ये कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिखा हो और ये साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखा हुआ। बच्चों ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस टर्म को जब काट रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, तो ध्यान रखिए कि इस वन से हम लोग इस वन को कट कर देंगे, और ये देखिए बच्चे यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये कटेगा नहीं, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस एक्स यहाँ से आया, लिख लेते हैं हम लोग, और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस का, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा बच्चा। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगा, और क्योंकि ये देखो 1 भी आएगा, x भी आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा, एक्स क्यूब आएगा, एक्स पावर 4 आएगा, इसमें सारे टर्म आते हैं,
इसमें देखो वन आया, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स पावर फोर, एक्स पावर सिक्स, इसमें सारे इवन पावर वाले चलेंगे, तो ऑड वाला यहाँ से आ गया, फिर देखो इवन वाला यहाँ से ले लेंगे, एक्स पावर फोर अपॉन फैक्टोर फोर, ऐसे चलता चला गया अपॉन एक्स की पावर एन। अब बच्चा एक बात ध्यान दो कि हमें फाइनाइट, इसको क्या करना है, फाइनाइट करना है, फाइनाइट का मतलब एक वैल्यू आए। अब अभी भी लिमिट अप्लाई करिए तो देखो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो पहले क्या करते हैं, जो कॉमन मिल सकता है वो कॉमन हम लोग निकाल लेते बाहर, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां से आप ध्यान रखिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है आपको, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां देखिए बच्चा क्या आया, वन बाई टू, और यहां एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फोर। आगे भी एक्स के टर्म इसमें रहेंगे, देखिए यहां से भी आप ध्यान रखें तो माइनस एक्स या एक्स कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, एक्स ही कॉमन ले लिया हमने, तो देखिए क्या बचेगा, माइनस वन, यहाँ माइनस टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ऐसे आज चला जाएगा अपॉन एक्स की पावर एन। इतनी बात को आप ध्यान दें। अब देखिए अगर हम लोग लिमिट अगर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, हायर डिग्री टर्म्स सारे क्या हो जाएंगे, वैनिस मतलब जीरो, इसमें भी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, वैनिस अथवा जीरो। अब देखिए ये एक्स क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। थोड़ा आगे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा बस जगह का आप इस्तेमाल, कम रह गया हमारे पास जगह, बस थोड़ी ध्यान दें, एक्स क्यूब होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये एक्स क्यूब हुआ एक्स की पावर थ्री कहने का मतलब, और ये माइनस वन बाई टू, ये माइनस वन बचा है तो वन बाई टू आ गया, और नीचे एक्स की पावर एन है। अब देखिए अगर फाइनाइट हमें निकालना है, मतलब ऐसी वैल्यू जो ज्ञात है, तो अगर हमने यहाँ पे डिग्री एन की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये कट जाएं, क्योंकि अब क्या होगा फाइनाइट के लिए तभी पॉसिबल है जब ये एन की वैल्यू कितनी हो, थ्री हो, एन की वैल्यू क्या हो, थ्री, एन की जगह थ्री रख देंगे तो ये कट जाएगा, तो वन बाई टू आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट के लिए जैसे ऑप्शन हमारे थे, ऑप्शन अगर एक बार देख लें तो शायद वन था, टू था, थ्री था, और नन था, तो आप जानते हैं कि अब यहाँ पर फाइनाइट करने के लिए ये एक्स को काटना पड़ेगा, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म हटाना पड़ेगा, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म हटाने के लिए इस एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, थ्री, आप समझ रहे हैं ना, हाँ थ्री रखनी पड़ेगी, तो आंसर क्या है, वन बाई टू, तो वन बाई टू आंसर नहीं निकालना है हमें, एन की वैल्यू रखनी है, तो एन की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ी, थ्री रखनी पड़ी। फाइनाइट ज्ञात वैल्यू के लिए आप अगर जान ही रहे बच्चा कि यहाँ पर अगर एन की पावर एन की वैल्यू थ्री से ज़्यादा रख देते हैं और नॉन जीरो भी थी, देखो दो बातें ध्यान दें, थोड़ा सा स्पेस कम है पर आप थोड़ा ध्यान दें लास्ट की स्टेप को कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगर सपोज आपने एक्स की पावर थ्री यहाँ था, वन बाई टू था, अगर एक्स की पावर सपोज फाइव रख दिया तो यहाँ नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो नीचे एक्स तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट हो गया, तो एन की वैल्यू का तीन से बड़ी हो जाती है तो क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब देखो एन की वैल्यू तीन अगर हो गई, ये स्टेप को इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक्स पावर थ्री अपॉन एक्स पावर थ्री कर दिया, वन बाई टू, तो क्या हो गया आंसर, वन बाई टू, फाइनाइट आंसर आ गया, फाइनाइट आया और नॉन जीरो आया, ठीक। अब एन की वैल्यू हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू का मतलब पावर ही, नीचे वाली की पावर, एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर सपोज कर दिया, यहाँ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर वन बाई टू, तो देखो एक्स ऊपर बच जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, अगर हमने इसको तीन से कम कर दिया तो एक्स बचा या कुछ और बचेगा, जरूर एक्स एक्स के टर्म में आएगा, तो एक्स को जीरो करने पर क्या हो जाएगा आंसर, जीरो। तो उसने बोला था आप अगर पीछे पलट के देखेंगे, पीछे मतलब बैक करके देखेंगे, कोई कॉपी तो है नहीं, तो वहाँ देखेंगे उसने बोला था ये जो लिमिट है वो फाइनाइट है और नॉन जीरो है, फाइनाइट है और नॉन जीरो, ना ही ये जीरो है तो जीरो वाला भी उसने कहा नहीं कंसीडर करना है, और ना ही इनफाइनाइट है, क्या है फाइनाइट वैल्यू विच इज नॉन जीरो, तो वन बाई टू क्या है फाइनाइट है और नॉन जीरो वैल्यू है, तब आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या आई, तब थ्री आई, आंसर थ्री आया, क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, हल्की सी भी त्रुटि, हल्की सी मिस्टेक आपको मिसलीड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 2009 का होगा या 2010 का होगा, हमने बताया ही है कि 10 क्वेश्चन आए थे, तो बारी बारी से हम उनको क्वेश्चंस को शुरुआत से लेते चल रहे हैं, आप पेपर से मिलान कर सकते हैं, ओरिजिनल पेपर से मिला भी सकते हैं किस ईयर का कौन सा क्वेश्चन आया है। चलिए
इससे पहले जो क्वेश्चन कंसीडर किया था 2008 का, ये 11 में आया, 2011 में हम लिस्ट कर दे रहे हैं जिससे कि मोर एक्यूरेसी में हम लोग एनालिसिस कर पाए। कहते हैं कि इसका आंसर मोस्टली बनाता है, तो भाई ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट कहने को कहा जाता है कि बनाता है, तो चलिए मान लेते हैं कि बनाता है। आगे वाले स्टेप में देखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ हम एक फाइनेस्ट आपको ट्रिक देंगे, वो सारे जो शॉर्टकट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उनको नोट डाउन करेंगे, जस्ट अभी आपके सामने है। कुछ क्वेश्चंस बोल सकते हैं उनको और ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये जितने भी स्टेप लिखे हैं आप जरूर नोट डाउन कर लें, अगर आप बिगिनिंग के हैं, अगर आप इनको समझ नहीं पाते हैं, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको डिस्कस करते हैं बारी बारी से, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे चीज़ें हैं। इनमें बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, हमने यहाँ के आंसर्स अभी नहीं लिखे हैं, यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। देख कभी भी बच्चा लिमिट कैसे याद करता है, कोई भी स्टूडेंट होता है वो साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में याद करता है। अब देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स यहाँ पर भी है, साइन एक्स अपॉन एक्स यहाँ पर भी है। अगर इसका आंसर वन नहीं आया इसका मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स ना याद करके आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। कॉन्सेप्ट देखिए, जब भी जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लगाया साइन एक्स अपॉन एक्स आया, या लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, यहाँ पर जीरो नहीं है ये ए है, तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, जीरो की जगह इनफाइनाइट भी लगाई तब भी यहाँ पे वन आ रहा है। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि मतलब साइन वन अपॉन एक्स और साइन वन अपॉन एक्स और यहाँ वन अपॉन एक्स है, फिर भी आंसर वन आया, और साइन एक्स अपॉन एक्स है तब भी आंसर वन आया। तो लिमिट यहाँ जीरो की, यहाँ इन्फिनिटी की, तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे भी ध्यान दें तो देखिए जब यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट इन्फिनिटी जा रही है, इन्फिनिटी का मतलब लिमिट बढ़ रही है, थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा बढ़ने का मतलब है कि साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है कि आप कुछ भी आप बढ़ा के डालते रहिए हमेशा उसकी वैल्यू आती रहेगी। थीटा कुछ भी आप डालते रहिए वैल्यू हमेशा देता रहेगा, मतलब फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, तो कोई बड़ी वैल्यू आप डालेंगे तब भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। मगर यहां पर देखिए जीरो डालने पर ये क्या हुआ, जीरो को टेंड किया, और ये भी जीरो डालने पर क्या हुआ, जीरो को टेंड किया। अगर आप ए डालेंगे तो यहां पर एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो ए माइनस एक, ये भी क्या किया, जीरो को टेंड किया, ये भी क्या किया, जीरो को टेंड किया। देखिए यहां पर इन्फिनिटी आपने डाला, ध्यान दें तो वन अपॉन एक्स का मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी का मतलब है जीरो। तो देखिए जब भी साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में हो और लिमिट हमारी कुछ भी लगाएं, चाहे ए लगाएं, चाहे जीरो लगाएं, चाहे इन्फिनिटी लगाएं, इसका ये एक्स अगर जीरो की ओर टेंड करता है तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, वन। लिमिट की वैल्यू क्या होगी, वन। आप आंख बंद करके लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट वन करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लिमिट लगाई हमने इन्फिनिटी, तो देखिए हमारा यार थीटा बढ़ रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब लिमिट की वैल्यू वन नहीं होगी, वन नहीं होगी। यहां देखिए इन्फिनिटी लगाया तो यहां पर भी थीटा क्या टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी, इसका मतलब लिमिट की वैल्यू वन नहीं होगी। यहां देखिए जीरो लगाया फिर भी, और ये साइन वन अपॉन एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स है, यहां पे साइन वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स की वैल्यू वन थी, मगर यहां पे वन नहीं होगी, क्यों, क्यों जीरो लगाने पर ये क्या टेंड कर रहा है, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, जबकि यहां पर इन्फिनिटी लगाने पर जीरो टेंड किया था। तो जहां जहां जीरो टेंड करें वहां पर लिमिट क्या होगी, वन, और जहां जहां इन्फिनिटी टेंड करें वहां वन नहीं होगा। होगा क्या, तो देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट ही मान लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो देखिए यहां पर इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, तो इसको वन नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स साइन एक्स। देखिए ये स्टेप जैसे ही इवैल्यूएट हुआ इसका आंसर मैं फटाफट एक सेकेंड में कैलकुलेट करूंगा। अब यहां ध्यान दें, वन अपॉन इन्फिनिटी आपको पता होगा जीरो होता है, और साइन एक्स जब थीटा कुछ भी डाला गया चाहे जितना भी बढ़ा दें, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ऑक्सीलेटिंग बन जाएगी, ऑक्सीलेटिंग वैल्यू फ्रॉम माइनस वन टू वन। ऑक्सीलेटिंग मतलब जैसे कि आपका पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है, तो जैसे कि स्प्रिंग को आप छेड़ दो तो आप स्प्रिंग बहुत तेजी से ऑक्सीलेट करती है, ऐसे साइन एक्स भी माइनस वन और वन के बीच में वैल्यू देता रहेगा, कुछ भी ऐसा तेजी से देता रहेगा, उसमें जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो इंटू फाइनाइट आपको पता होगा क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इंटू ऑक्सीलेटिंग हमेशा जीरो बनता है, जीरो इंटू ऑक्सीलेटिंग हमेशा क्या बनता है, जीरो। इसका आंसर क्या होगा, जीरो। इसका क्या आंसर होगा, जीरो। तो देखिए यहां पर भी लिमिट का खेल है, यहां पे लिमिट जीरो ना होके इन्फिनिटी हो रही है,
तो इन्फिनिटी हो रही तो क्या करें आप, x को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या ले लीजिए, x को कॉमन, तो यहाँ क्या देखो क्या बचा, 1, और यहाँ पे 1 अपॉन x साइन x लिखा है, और देखिए यहाँ पर भी 1 अपॉन x cos x लिखा है, इसको हमने लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x के फॉर्म में इसलिए नहीं बताया कि दिमाग में आपके साइन x अपॉन x बनता है, साइन x अपॉन x बने कितना भी बने, बट लिमिट को जरूर ध्यान दें, तो लिमिट लगाने पर ये इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी जा रहा, क्या जा रहा है, इन्फिनिटी, ना कि जीरो, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसा लिखाया है 1 अपॉन x साइन x, तो देखो 0 इंटू ऑक्सिलेटिंग, 0 इंटू ऑक्सिलेटिंग क्या हो गया, 0, तो 0 इंटू ऑक्सिलेटिंग 0, 0 इंटू ऑक्सिलेटिंग 0, अब देखो ये x से x कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1, आंसर पहले हम लोग टिक कर चुके थे, आंसर 1 आया, सारे स्टेप को आप बहुत ही ध्यान से देखें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स और इन सारी लिमिट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इस क्वेश्चन में, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप लिखिए, जरूर इसको अप्रिशिएट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो भी इतना ही फाड़ू होगा, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज निम्सेट एनालिसिस ट्रिग्नोमेंट लिमिट टॉपिक ले रहे हैं, लिमिट, और लिमिट में 2012 का ये क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके एक तरीका है समेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन और लिमिट दोनों में ये मेथड यूज होता है, समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो तरीका भी लगा सकते हैं, मगर एक शॉर्टकट भी बताएंगे जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो आप शॉर्टकट के लिए आगे वाले स्टेप में ध्यान दें, और कभी आगे जब समेशन ऑफ द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से हम डिस्कस करेंगे, पर आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम लोग वो शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन तो बहुत बड़ा है नहीं, तो इसलिए हमने एक स्टेप लिखा है, बस उसके थोड़ा रूप को चेंज कर दिया है, और जैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सामने बताने वाली बात है, ठीक है, ये ऐसी बात नहीं कि लिख के रखे रहें, आप ध्यान दो, देखो ऐसा है कि पाई को हमने कांस्टेंट था तो उसको आप लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं, 1/n रखा, उस चीज़ को हमने ऐसे रखा, अब देखिए हमने एक बात बताई थी कि लिमिट मतलब इसको इसी तरीके से ले सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन n अपॉन n, तो देखो भाई साइन n अपॉन n एक हमारी गंदी आदत है, उसको कभी फॉलो नहीं करेंगे, मैंने बताया कि इस आदत को आप छोड़ दीजिए जितनी जल्दी हो सके, जैसे कि आप धूम्रपान छोड़ देते हैं, ऐसी चीज़ों को हमेशा क्या करेंगे, 1 अपॉन n बाहर रखेंगे और साइन n, ध्यान से देखिए तो ये जीरो है, क्या है, जीरो है, और ये क्या बन गया, ऑक्सिलेटिंग, तो एक फार्मूला 0 इंटू ऑक्सिलेटिंग अभी आपको रटाया था, क्या होता था, जीरो, तो ध्यान दें कि 1 अपॉन n का मतलब जीरो, और ये देखो वैल्यू फाइनाइट कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी, क्योंकि यहाँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे साइन पाई बाई एन, साइन टू पाई बाई एन, साइन एन माइनस वन पाई बाई एन, तो ये ऑक्सीलेटिंग हो जाएगी, तो ऑक्सीलेटिंग इंटू जीरो, जीरो इंटू पाई जीरो, तो आंसर क्या आ गया, जीरो, ठीक है, आपका काम हो गया, आपको आंसर मिल गया, हमने बोला इसके फुल कॉन्सेप्ट को समेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब लोग डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, टाइम टेकिंग है, थोड़े से डिमांडिंग टॉपिक है, तो अगर आप इन कुछ टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, और मावला क्लासेस ने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, अगर टॉपिक वाइज कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं, कुछ लगता है कि कोई टॉपिक आपका मिस हो रहा है, आप कंफ्यूज हैं, तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, हमेशा हम बोलते हैं कि ऐसा कोई रिकमेंडेशन या ऐसी कोई डिमांड हमारी नहीं है कि आप केवल और केवल मावला क्लासेस को पढ़ें, केवल केवल अमित कटियार को फॉलो करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पहले आए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कोई भी अगर प्रयास करता है, आपको लगता है कि आप, ये एक रिसोर्स ऐसा है, ऑनलाइन एक ऐसी बात है, ऐसा रिसोर्स है, ओपन फॉर ऑल है, आप वर्ल्ड लेवल पे खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि कोई बात बहुत ही अच्छी है, फाइनेस्ट है, आप ज़रूर लें, बट ये ध्यान रखें जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, आप क्विक एक फिंगर से आप बहुत सारी चीज ले सकते हैं, बट उनमें चुनाव किसका करना है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि कंटेंट जब बहुत सारा होता है तो कन्फ्यूजन बहुत सारा बढ़ता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कन्फ्यूजन डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, अच्छा ना लगे लाइक मत करिए, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य है आपको लेना और आगे बढ़ना है, और मुझसे बहुत कई गुना आगे बढ़ना है और कई गुना आगे जाना है, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन के चीज़ों को आप आगे बढ़ाएंगे तो हमसे भी ज़्यादा आप आगे ले जाएंगे। एक छोटा सा मैसेज था, पता नहीं कैसा लगा आपको, ये मुझे नहीं पता, मगर ये रियलिटी है, कोई ऐसी डिमांड नहीं कि आप मुझसे फॉलो करें, हाँ कहीं आपको लगता है कि मैं ये चीज़ डिलीवर कर सकता हूँ, कहीं आप देखें कोई चीज़ आइडिया आती है तो ज़रूर डिस्कस करें, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे गणित में,
हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात नहीं करते, इंग्लिश की बात नहीं करते, इन सारी चीज़ों में हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। आपसे भी बुद्धू कहते हैं ना, उससे भी ज़्यादा है, मुझसे सारे टॉपिक्स कभी नहीं हुए। पर मैथ 2+2 = 4, 4 की बात आती है तो जी जान लगा देंगे और अच्छा करेंगे। एनालिसिस के बारे में ज़रूर आप डालते रहिए, बताते रहिए कैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं और आगे ऐसे लेवल पर ले जाएंगे इस एनालिसिस को कि वाकई में आगे करेंगे। प्राउड की शुरुआत की थी और पहुँचा कहाँ तक, इसी वादे के साथ आगे फिर से हम लोग हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। थैंक यू।